नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार, रेनबो कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था पर्सनली 8.2 को, और पर्सनली 8.2 का ही क्वेश्चन नंबर हम 3 को लेकर आ जाए हैं। और बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और एक बात और, जितने भी क्वेश्चन बन रहा है या बनाया गया है उसको आप लोग रिविजन कीजिए, बिना रिविजन के कुछ भी आगे नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीन पर आप लोग ध्यान से अगर देखते हैं तो इसमें दिया है, बोला है कि यदि टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री, टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री और टेन ए माइनस बी बराबर वन बटा में रूट थ्री। और कुछ शर्त दिया है कि ए प्लस बी का जो मान होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री के बराबर और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ये शर्त दिया है। तो बोल रहा है कि ए और बी का मान ज्ञात करें, यानी ए और बी का मान हमें ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है, बस समझने का अंतर है, आप लोग समझ लीजिएगा। आधा हम बनाएंगे, आधा से अधिक आप लोग खुद बना सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जो दिया है क्वेश्चन में दिया है कि टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री, टेन ए प्लस बी बराबर कितना दिया है रूट थ्री, और इधर दिया है टेन ए माइनस बी बराबर वन बटा में रूट थ्री, ठीक है। तो बोल रहा है कि ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, ए और बी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है, समझिएगा। तो इसको जैसे लेकर चलते हैं, टेन है तो टेन लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर ए प्लस बी है तो ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, पिछले वीडियो में हमने मान आप लोगों को याद करने के लिए भी बोला था, या मान निकाल जो होता है, मान वैल्यू होता है 37 डिग्री का, कॉस 0 डिग्री का, टेन जो भी मान वाला होता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे इसके अकॉर्डिंग कि टेन है, टेन ए प्लस बी है, ठीक है। तो इधर देखेंगे टेन कितना का मान होता है रूट थ्री, तो आप लोगों को अगर देखेंगे तो इसमें होता है टेन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है रूट थ्री। तो इसके स्थान पर हम टेन 60 लिख सकते हैं का, इस बात से कोई दुखी तो नहीं ना है, बात समझ में आ रही है। तो अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, इतना तक हो गया। तो यहाँ से तुलना जब करेंगे तो टेन से टेन क्लियर हो सकता है, तो क्या बचेगा हमारा, ए प्लस बी बराबर कितना 60, ए प्लस बी बराबर 60, ये इक्वेशन वन हो गया। और यहाँ पर देखेंगे तो टेन ए माइनस बी बराबर, इधर ध्यान से देखेंगे एक बटा में रूट थ्री कितना का मान होता है, तो टेन में ही देखेंगे एक बटा रूट थ्री और किसी का भी मान होता है, लेकिन यह इसके अकॉर्डिंग देखना है कि टेन यहाँ पर है तो इधर भी टेन सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टेन देखेंगे तो टेन कितना का मान वन बटा रूट थ्री होता है, तो टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है वन बटा में रूट थ्री। तो यहाँ से टेन और टेन तुलना करेंगे, इसमें जैसे हुआ है तो ई टेन से ई टेन तुलना करने पर क्या होगा, क्या बचेगा, ए माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, और इस समीकरण कौन हो गया 2। इसके बाद में ऐसा आने के बाद आप लोग को खुद बनाने आता है, ए और बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक और दो से विलोपन विधि से बना दीजिए, एक और दो, समीकरण दो से, समीकरण एक और दो से, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है और यहाँ पर a माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री। और इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये तो कट गया, ए ए कितना हो जाएगा 2a बराबर 60 और 30 कितना होता है 90 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 2a बराबर कितना दिया है, 2a बराबर दिया है 90 डिग्री और a बराबर कितना हो जाएगा, इधर से जाएगा तो 90 और बाटा में कितना हो जाएगा 2, तो a बराबर कटेगा तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। बात समझ में आई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से देखिए a का मान मिल गया
तो इसमें किसी का भी किस या तो समीकरण एक में वैल्यू रखिए नहीं तो समीकरण दो में। ये चीज़ों को हमने दो चर वाला रैखिक समीकरण में बताया था कि विलोपन जो भी दिया रहेगा समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण उसको हल करने का तरीका चार होता है ना, पहला प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन और एक निर्देशांक जो होता है ज्यामिति के माध्यम से उसके माध्यम से भी बना सकते हैं। तो जो मन करे उस माध्यम से आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ से एक बराबर 45 डिग्री आ गया तो या तो समीकरण एक में रखिए मान नहीं तो समीकरण दो में। तो चलिए समीकरण एक में रखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी बना सकते हैं आप लोग, लेकिन जैसे डीपली थोड़ा बता दे रहे हैं। समीकरण एक में ए बराबर कितना है 45, तो 45 डिग्री समीकरण एक में ए बराबर 45 डिग्री रखने पर तो अब बताइए समीकरण एक कौन है, यह है ए प्लस बी बराबर कितना दिया है 60 डिग्री। तो ए के स्थान पर कितना रखेंगे 45 ना, तो 45 रखेंगे तो 45 डिग्री और प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ से b बराबर कितना हो जाएगा डायरेक्ट 60 और माइनस 45, ठीक है। और यहाँ से b बराबर कितना हो जाएगा घटाएंगे तो 15 डिग्री, ठीक है। इतना यहाँ से कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो अतः यहाँ से कितना हो जाएगा, अतः a बराबर कितना हो गया 45 और b बराबर 15 डिग्री। बराबर में नहीं करके लिखते हैं लेकिन इसे लिख दे रहे हैं, a का जो 45 डिग्री होगा और b का जो होगा वो कितना मान होगा 15 डिग्री, और यही क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखिए और इसको समझिए, कहीं भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत है नहीं होगा, और अच्छा से ध्यान से समझ लीजिए। और भी जितना इसमें आगे क्वेश्चन है कि चार नंबर हो या जितना पीछे भी बताए हैं पेज पर बताए हैं वो चीज़ों को अच्छा से ध्यान से देखिएगा समझिएगा, और कहीं भी किसी भी तरह का दिक्कत है तो अच्छा से ध्यान से दोबारा देख लीजिए समझ लीजिए, ठीक है। अपना से जितना हो सके मैं एकदम आसान तरीके से सॉल्व करने का प्रयत्न कर किया हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और एक बात फिर से कहना चाहेंगे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और जितना जल्द हो सके आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एक शेयर हमें आगे तक बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। और ये है कि हम अगर अच्छा करते हैं तो आगे तो खुद ब खुद बढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। जानना और किसी को बताने में बहुत अंतर होता है, कोई चीज़ को जानते हुए कोई चीज़ को बताना सबके बस की बात नहीं है। ये नहीं हम कह रहे हैं कि सभी लोग बता सकते हैं, लेकिन जो चीज़ को जानते हुए एक चीज़ को आप खुद अपने आप पर ही कर सकते हैं कि किसी को जानते कोई भी चीज़ अगर आप जानते हैं किसी को बताने का अगर आपके पास क्षमता है तो समझ लीजिए ये बहुत कुछ है। तो ये चीज़ों को आप लोग समझिए। अगर आप लोग भी चाहते हैं इस तरह का करने का कोई भी काम तो जो मन करे वही कीजिए और आगे की ओर बढ़िए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।